स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मॉडल पेपर सेट 4 चौथा सेट है ना, 3 सेट कंप्लीट करा दिए हैं ना। देखो तो प्ले लिस्ट भी जाएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 10 क्लास मॉडल पेपर करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको बाकी सेट जो है मिल जाएगा। टोटल 8 सेट करा देंगे, ठीक है, जिसमें से 3 सेट हुआ, आज चौथा देखेंगे। अब लगातार ही एक एक सेट देते चलेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले जो टर्म 1 का एग्जाम है उससे पहले सारा सेट आपको दे देंगे, 7-8 सेट दे देंगे, इतना देख के चलिएगा, कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अटैक करते हैं। 135 का आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। 3 सेट करा दिए हैं, उतना वीडियो देख लिए होंगे तो ये सब आराम से अब बन जाता होगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन कोई कोई बीच में फंस जाएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखते चलिए। 7 सेट कराएंगे, 7 सेट कर लीजिएगा बढ़िया से, 7 सेट करा देंगे, उतना कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मैथ में, खास करके 40 में 40 नंबर रखा ले, कोई नहीं बचाएगा। चलिए लिखते हैं, देखिए आभाज्य गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करके 5 से होगा, 5 × 2 = 10, 3 × 5 = 35, 3 से होगा 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9। गुणनखंड करने आता होगा 5 × 3 × 3 × 3, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, 5 × 3 × 3 × 3, सी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। इसको उल्टा का लिखा हुआ है, 3 × 3 × 3 × 5, ये रहा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक यानी मसा का HCF बोलते हैं, HCF दिया हुआ है इसका 13, तो इसका LCM निकालना होगा, LCM फाइंड करना है। फॉर्मूला एक बताए थे, दो क्या फॉर्मूला बताए थे, HCF गुना LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। जिसका जिसका HCF और LCM निकालना है वो दोनों संख्याओं को अगर गुना कर देंगे तो वो दोनों का LCM और HCF के बराबर होता है, गुना के बराबर, ठीक है। तो HCF दिया हुआ है 13, तल 13 लिखेंगे, LCM नहीं दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, दोनों संख्या दिया हुआ है तो दोनों संख्या ये दोनों है 26 और 91, 26 × 91, ये देखिए 13 गुना में है उधर चल जाएगा क्योंकि हमको LCM निकालना है, LCM छोड़िए ये गुना को उधर ले जाइए, 26 × 91 = 13, 13 से काट दीजिए, 13 × 2 = 26, 26 कट गया, 2 बच गया, 91 बच गया, तो LCM बराबर का हो गया 2 × 91, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 182 हो जाएगा इसका LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 96 और 404 का HCF निकालना है, तीसरा नंबर, 96 और 404 का HCF, दो तरीका है, एक तो अभाज्य गुणनखंड करके या भाग दे करके, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन, तो चलिए भाग देकर ही बना देते हैं, 94 को 400 इससे भाग दे दीजिए, ठीक, भाग देंगे तो 94 कई बार में 9 × 2 = 98 + 27 = 36, 4 बार में हमको लगता है ये इसके पास आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36, 37, ठीक, 14 में 6 घटाएंगे, 6 × 12 = 13, 14, 8 बच जाएगा, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 घटाएंगे 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, फिर इसको ऐसा करते हैं, फिर यहाँ ये वाला चल जाता है 94, 28 × 2 = 3, 3 बार में हमको लगता है ठीक ठाक आएगा, 3, 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 6, 7, 8, ठीक आया, घटाएंगे तो 0, यहाँ 1, फिर ऐसा करेंगे ये वाला बार 28 यहाँ चल जाएगा, 10 × 2 = 20 हो जाएगा, यहाँ 20, 8 बच गया, इधर करेंगे ये 10 यहाँ चल जाएगा, ठीक, 10, 8 × 1 = 8 करेंगे 2 यहाँ चल जाएगा, फिर ये 8 बार यहाँ उठ के चलिए, 2 × 8 खत्म, जिससे खत्म हुआ है 2 से खत्म हुआ तो HCF हो जाएगा 2, ठीक। चौथा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या है, द्विघात बहुपद कहाँ है, ओ चौथा नंबर, धनात्मक संपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है, तो धनात्मक संपूर्णांक बोला संपूर्णांक किस रूप में होता है, तो 2q लास्ट ऑप्शन में, ठीक है, बाकी में 1 है 1 है 3 है ना, +1 + 1 लास्ट में है और एक में 3, तो ये सब विषम संख्या है, सम संख्या ही हो जाए, ठीक है, सिंपल सा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद शून्यकों का योग है, तो द्विघात बहुपद दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, उल्टा टांग देता है, हाँ, तो द्विघात बहुपद
चलिए इसको हटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद शून्यकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद छूटा हुआ है, ठीक है, मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द्विघात बहुपद जो है वो कितना है, उसको दिखा बता दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या वाला है, इसका शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्य को पहले निकाल देंगे, उसके बाद उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा शून्यकों का योग है। या डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो द्विघात बहुपद है वो फॉर्म कैसा होता है, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इस तरह से। और यहाँ बोला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो चलिए माइनस बी, बी कितना है, देखिए बी में सात है तो माइनस सात बाई ए, ए में कुछ होने हैं, एक्स स्क्वायर में कुछ होने तो कुछ होने तो एक है तो माइनस सात आंसर, ठीक। छठा क्वेश्चन, यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः चार और एक है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, चार दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है अल्फा गुना बीटा एक, ठीक है। तो बोला है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा चार दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा एक दिया हुआ है। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल का होता है सी बाई ए। ऐसा वाला क्वेश्चन में बोले हर, देखिए हर बराबर करना है तो हर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है तो हर इसका बराबर पहले से है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। बराबर नहीं रहता, इसमें टू रहता, इसमें थ्री, इस तरह से कुछ दूसरा रहता तो इसको बराबर कर लेते गुना उना करके, है ना। लेकिन बराबर है तो क्या करेंगे, बस ए निकाल लिए, ए कितना वन, ए हो गया वन। बी देखिए बी का सीधा में चार है तो चार हो जाएगा लेकिन माइनस में है इसलिए माइनस चार। और सी, सी देखिए सी वन वन। और द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जिसमें रख देना है ए, ए में वन रखेंगे तो वन और एक्स स्क्वायर होता है। बी माइनस चार है तो बी माइनस चार एक्स प्लस सी, सी में वन है तो प्लस वन आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन है, सी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख, अगला ग्राफ वाला क्वेश्चन है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना है। इस तरह का ग्राफ एक बार कटा हुआ है एक्स में, एक्स में कई बार कटा उसको देखना है तो एक बार कटा है इसलिए एक आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर चार, मतलब दो को समीकरण दिया हुआ, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस चार बराबर जीरो और एक है सिक्स एक्स प्लस नौ वाई प्लस ग्यारह बराबर जीरो। इसमें बोला है इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या दो हल होगा। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो हुआ ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, यानी अभी बराबर नहीं कह सकते हैं, ये तीनों चीज़ निकालना पड़ता है ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू। तीनों बराबर हुआ, तीनों नहीं बराबर हुआ, ए वो बराबर हुआ इस तरह से। तो उसके लिए हर वीडियो में हर सेट में एक सेट आपको एक चित्र दिखाते हैं, याद करने बोलते हैं, याद अब तक कर ही लिए होंगे। तो पहले निकाल के देख लेते हैं, कोई बराबर नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, एक हल होगा। सब बराबर आ गया तो अनेक हल, एक हल कब, जब ये बराबर नहीं आएगा, दूसरे को देखिए दोनों बराबर नहीं आए तो एक एक हल होगा। और अगर तीनों का तीनों बराबर आ गया तो अनेक हल, और अगर एक बराबर आ गया ये बराबर ही दोनों और एक ठुन नहीं आया तो बोलते हैं उसका कोई हल नहीं होगा, समझे। तो चलिए देखते हैं, बैठाते हैं, ये होता है ए वन, ये बी वन, ये सी वन, दूसरा वाला समीकरण ए टू बी टू सी टू। तो रखिए ए वन, ए वन दो है, ए टू छ है तो दो बटा छ, बी वन बी टू, बी वन तीन है, बी टू नौ है तो लिख दिए चार ग्यारह, सी वन चार सी टू ग्यारह, कटेगा तो काटिए, दो एक दो दो दिए छः, एक बटा तीन आया, तीन एक तीन, तीन तीन नौ, एक बटा तीन आया और ये चार बटा ग्यारह। देखिए ये तो बराबर नहीं आया लेकिन ये बराबर आया, एक बराबर एगो नहीं बराबर है, लास्ट वाला आया एक बराबर एगो नहीं बराबर तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन देखिए क्लियर गया, चलिए कोई हल नहीं, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, सी में, सी में है कोई हल नहीं, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला रेखाएं इसका इसका क्या होगा, फिर से वही कैगो हल होगा, क्या हल होगा उसको बताना है। टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर पाँच है, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई बराबर पंद्रह है, क्या बोला है वही अद्वितीय हल है, एक हल है, दो हल है, का हल है उसको बताना है। तो वही ए वन बाई ए टू निकालेंगे, बी वन बाई बी टू निकालेंगे और सी वन बाई सी टू निकाल देंगे, ठीक। ए वन देखिए दो है चार है, बी टू दो बटा चार,
तीन छः, तीन बटा छः, और इधर पाँच और पंद्रह, पाँच पंद्रह काटते हैं, दो एका दो, दो दूनी चार, तीन एका तीन, तीन दूनी छः, पाँच का पाँच, तीन पंद्रह। देखिए एक बटा दो बराबर एक बटा दो, अरे नहीं बराबर है एक बटा तीन का, तो दो को बराबर एगो नहीं बराबर है, पहला दूसरा बराबर तीसरा नहीं, तो अभी जस्ट जो बनाया था वैसे ही आ गया, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, इसका भी हो जाएगा कोई हल नहीं, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाए। अगला एक्स बराबर ए और एक्स बराबर x बराबर ए और x बराबर बी दिया हुआ है, इसका बोला ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ ध्यान से देखिए, ये x अक्ष है ये y अक्ष, x बराबर ए मतलब है कि कोई नंबर है x में, a मतलब कुछ है, तो x a मानते लिए यहाँ कुछ नंबर है, तो यहाँ एक लाइन हो जाएगा, x बराबर फिर b बोला है तो x लाइन में फिर एक ठो कुछ लाइन हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, देखिए तो कैसा लाइन है, समांतर लाइन, दोनों x में ही है, दोनों नंबर x में ही है, x बराबर है x बराबर b, तो x में ही है, इसलिए x में अगर दो पॉइंट है तो ऐसा लंबा लाइन हो जाएगा एक दो, तो ये समांतर होगा, इधर भी अगर x में होगा तो ये सब एक दूसरे का समांतर होगा, तो समांतर रेखा बनेगा, समांतर लाइन। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है, 3x प्लस वाई बराबर 14 और 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो y का मान निकालना है, y का मान, ठीक, ध्यान से देखिए y का मान आराम से निकलेगा, देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा, चलिए ये समीकरण वन और समीकरण टू, इसको तीसरा चैप्टर का ही है, तीन चार विधि था, एक विलोपन विधि, प्रत्यास्थापन विधि, वज्र गुणनफल विधि, इस तरह से, तो कोई भी विधि से बना दीजिए, चलिए हम डायरेक्ट विलोपन विधि से काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं, उसमें पहला दूसरा समीकरण को जोड़ देते हैं, गुना उना वर्ग करके बराबर करके एक ठो किसी को, तो इसमें वाई वाई बराबर है, तो बराबर गुणा करके जो बराबर करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, वाई और वाई कट गया प्लस माइनस है इसलिए, और ये जोड़िए तीन दो पाँच एक्स बराबर, इधर हो गया चौदह और एक पंद्रह, यहाँ हमको एक्स बराबर आ गया पाँच दिया पंद्रह, एक्स नहीं निकालना था लेकिन एक्स निकाल दिए, कह गया एक्स निकाल के एक्स को रख दीजिए तो वाई भी निकल जाएगा, टू एक्स माइनस वाई, या इसमें पहला समीकरण में रखते हैं तो लिखते हैं एक्स का वैल्यू समीकरण वन में रखने पर, है ना, तो हमको तो यहाँ लिखने से मतलब नहीं आंसर से, इसलिए डायरेक्ट आंसर बना दे रहे हैं ना, लिख नहीं रहे, एक्स में तीन रखना है, तीन आया तो तीन, तो तीन तीन नौ हो जाएगा यहाँ प्लस वाई बराबर चौदह, अब नौ प्लस में उधर जाके घटा हो जाएगा, चौदह में नौ घटाएंगे तो पाँच बचेगा, वाई बराबर पाँच हो गया आंसर। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए, दो चार वाले रैखिक समीकरण, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के कितने हल हो सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के कितने हल हो सकते हैं, जिसमें अनंत हल हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, अनंत हल, कहा कि एक्स में वन रखेंगे तो भी वाई का कुछ वैल्यू आएगा, हल मतलब है कि इसमें रखेंगे एक्स का वैल्यू तो वाई आ जाना जाए, तो जीरो रखेंगे तो भी तो वाई कुछ आएगा, एक रखे तो भी रख आएगा, दो रखेंगे तो भी कुछ आएगा, तीन रखे तो भी, कुछ भी रखे तो कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, तो इसीलिए इसका अनंत हल है, ठीक है, इसका अनंत हल होता है। तेरह नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर चौदह दिख रहा है, x प्लस वाई बराबर चौदह, और एक है x माइनस वाई बराबर, एक्स माइनस वाई बराबर चार, तो इसका हल होगा, कौन हल है वो बताना है, ठीक, तो चलिए डायरेक्ट इसको बना देते हैं, सिंपल सा है, वही जोड़ देते हैं पहला दूसरा समीकरण, तो ये कट जाएगा x आर x टू एक्स हो जाएगा बराबर इधर चौदह और चार अट्ठारह, काटेंगे तो दो नवा अट्ठारह, x बराबर नौ आ गया, अब y का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू रख देंगे किसी एक में तो y का निकल जाएगा, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर चौदह है, x का वैल्यू रख देते हैं नौ प्लस वाई बराबर चौदह, वाई बराबर कहाँ हो जाएगा, नौ उधर जाके चौदह माइनस नौ यानी पाँच, तो y बराबर पाँच x बराबर नौ, तो x बराबर नौ और y बराबर पाँच, चौथा ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौदह नंबर, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, मतलब फॉर्मूला था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये उसका मानक रूप है, तो इसको तो याद करने वाला चीज़ है। अगला क्वेश्चन है,
यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के वास्तविक वास्तविक एवं समान मूल हो, तो मूल की वास्तविक एवं समान मूल बोला है, कैसा समान मूल, समान माने बराबर मूल है ना, एक बराबर मूल अगर दोनों है, दो मूल आता है आंसर, दोनों बराबर हो तो मूल होंगे का होंगे, अगर बराबर हो तो मूल होंगे वास्तविक और समान मूल, तो वास्तविक और समान मूल कब होता है बउआ, जब d बराबर जीरो आ जाता है, तो अगर d बराबर जीरो है तो मूल क्या होगा उसको निकालना है, ठीक है, तो मूल बराबर फॉर्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा टू ए, तो डी जीरो है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा आंसर, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर में है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा, विविक्तर माने d निकालना है, ठीक है, तो d का फॉर्मूला होता है माइनस बी, डी का फॉर्मूला, तो डी का स्क्वायर, डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, तो बी स्क्वायर, बी में 6 है माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4ac, 4 a में 9 है तो 9, c में 1 है तो c में 1, तो हो गया 36 माइनस 9 जो कि 36, तो 36 में 36 घटाएंगे 0, तो d कितना आ गया 0, यानी विविक्तर इसका 0 हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक। 16 क्वेश्चन हो गया, 17 नंबर, निम्न में द्विघाती सूत्र है, ऑप्शन ए नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इधर देखते हैं, हाँ द्विघाती सूत्र कौन सा है, द्विघाती सूत्र मतलब वही 17 नंबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको हम शॉर्ट में डी लिख देते हैं, कहा कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये आंसर सही है, ये फॉर्मूला सही, ये आंसर सही हो जाएगा 17 का। 18 नंबर फॉर्मूला पूछा था इसमें द्विघाती का, मतलब विविक्तर का, द्विघाती सूत्र इसी को कहते हैं, ठीक है, तो द्विघाती सूत्र ये हो जाएगा, खैर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन बुक जो आया है, बुक वाला से हम क्वेश्चन देखें, बुक वाला में है ये, है ना, हम जहाँ जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे नहीं है, हम मिस प्रिंट है, नेट वाला जो को दिया है सेट उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, नहीं ए बी सी खाली जगह है, लेकिन बुक में है ये आंसर होगा। यदि 18 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर जोड़ 3 बराबर 0 है, तो मूल समान है, तो के का मान, मूल समान बोल दिया इसका मतलब क्या समझ में आता है कि डी जीरो होगा, डी जीरो आएगा तब है उसका मूल जो है एक समान होता है, तो डी कहाँ होगा बाबू जीरो, और डी का फॉर्मूला हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है, तो बी स्क्वायर लगाइए, बी 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 यहाँ पे के, बी की जगह में कहा के, के स्क्वायर माइनस 4 तो 4 ही रहेगा, ए है 2 और सी देखिए कितना है 3, ठीक है, चलिए 4 दुनिया 8 दिया 24, तो माइनस 24 उधर जाके कहाँ हो जाएगा, उधर तो जीरो है, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 उधर जाके माइनस में है इसलिए प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आके रूट, तो रूट 24 देखिए तो आंसर है, रूट 24 है रे आंसर, ऑप्शन वाइज में भी नहीं दिख रहा है, बुक देखना होगा, अच्छा रूट 24 नहीं है, 2√6 माइनस 2√6 इस तरह से है, ठीक है, तो इसका रूट तोड़ के देखेंगे 24 गुणनखंड करके करते दो का दो, दो दूनी चार, दो छः 12, दो तीन छः, जो दो बार आता है उस रूट से बाहर, और जो अकेले रहता है वो रूट के अंदर, तो अकेले 2 और 3 है यानी 2 3 6, तो ये रहा आंसर के का, ठीक, हाँ ये आंसर, तो ऑप्शन में 2√6 भी है, माइनस 2√6 भी है, प्लस 2√6 भी है, अरे वो प्लस माइनस रूट सिक्स है, तो प्लस माइनस 2√6 वाला लगाइएगा, है ना, एगो माइनस रूट सिक्स है, एगो प्लस में है, यानी कोनो नहीं साइन है 2√6, तो इसको लगाइए तो गलत हो जाएगा, स्क्वायर वाला उधर करिएगा तो प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों में रहेगा, दोनों माइनस में भी दो बार गुना करेंगे तो इतना आएगा, और प्लस से भी गुना करेंगे तो इतना, तो ये प्लस माइनस दो साइन रहेगा वही सही होगा, ठीक है, स्क्वायर में वैसे होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस में भी हो सकता है माइनस में, आगे देखते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है, तो मूल क्या होगा, तो मूल क्या होगा वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, बराबर और वास्तविक लिखा है, ठीक है, ए नंबर में बराबर और वास्तविक, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा,
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस छः बराबर जीरो का मूल क्या होगा, ये वो निकालना है। मूल निकालना है, देखिए मूल निकालने के लिए पहले डी निकालते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर बी में देखिए एक्स में कुछ हो नहीं है, माइनस खाली दिख रहा है तो माइनस वन होगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए में भी कुछ हो नहीं है तो ए, सी में माइनस छः है माइनस छः, माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक हो गया, माइनस माइनस प्लस चार छः चौबीस, चौबीस आर एक हो गया पच्चीस, तो डी पच्चीस आया। अब मूल, मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी लिखे हैं, तो डी लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट टू है। माइनस बी और माइनस यहाँ भी वन, तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, प्लस माइनस रूट डी, डी है पच्चीस और नीचे टू ए, ए में कुछ होने हैं तो कुछ होने लगेगी, छोड़िए वन प्लस माइनस रूट पच्चीस पाँच हो जाएगा, यहाँ दो प्लस में है, एक बार माइनस में कर देते हैं, प्लस करेंगे तो छः बट्टा दो, माइनस करेंगे तो माइनस चार बट्टा दो, काटेंगे तो दो दूनी चार, दो तिया छः, तो एक बार तीन आया, एक बार माइनस दो आया, तो तीन माइनस दो ऑप्शन में जो भी है, तीन माइनस दो ऑप्शन में हम है, ये नहीं है तीन माइनस दो, माइनस तीन दो लिख दिले। अच्छा पहला ऑप्शन तीन माइनस दो है, ठीक है माइनस छूटल है, पहला ऑप्शन में तीन माइनस दो ये आंसर है, ऑप्शन रहेगा ही है ना, भले ही। 21 नंबर 40 क्वेश्चन है, 40 का सॉल्यूशन देना है इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। एपी 2 6 10 14 का सार्वांतर क्या होगा, सार्वांतर माने डी, डी निकालना है, डी का फॉर्मूला ए टू माइनस सेवन, माने दूसरा को पहले से घटाइए, दूसरा को पहले, छः को दूसरे तो चार आंसर हो गया, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मतलब एन दिया हुआ है 78 और कौन सा पद 78 यानी ए एन हमको निकालना है, ए 18, अच्छा कौन सा पद 78 है मतलब एन निकालना है, पद 78 है मतलब ए एन दिया हुआ है 78, ठीक है, और एन यानी कौन सा नंबर में 78 आएगा वो बताना है, कौन सा नंबर में 78 आएगा, तो यहाँ से ए पहले निकालेंगे तो ए तो तीन है और डी निकालेंगे तो दूसरा को पहले से घटाएंगे, आठ माइनस तीन पाँच हो गया, सब कुछ निकल गया, तो ए एन हमको निकालना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है, ए एन दिया हुआ है 78 बराबर ए, ए है तीन प्लस एन नहीं है छोड़िए डी, डी है पाँच, तीन प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर एन माइनस वन पाँच, 78 में तीन घटाएंगे तो 75 बचेगा, पाँच गुना में है तो इधर भाग में बराबर n माइनस वन, भाग देंगे इसको तो पाँच का पाँच, पाँच बचे 25 15 आया और माइनस में इधर आके प्लस, तो n बराबर कितना हो गया 15 अरे 16, तो 16वां नंबर में 78 है, कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है, ऑप्शन है ना सी नंबर ऑप्शन में है 16वां पद। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर। प्रथम पद ए और अंतिम पद खाली क्वेश्चन हुआ यहाँ का ऐसा 24 नंबर कहाँ गया। प्रथम पद ए और अंतिम पद वाली ए पी के एन पदों का योग, एन पदों का योग का होगा ये बताना, मैंने फार्मूला लिखना है ठीक है, एन पदों का योग, तो एन पदों का योग का फॉर्मूला बताया है एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ ये होता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन में है ये नहीं है, अरे यहाँ तो ऑप्शन हो आधा आधा कटल है, ये ऑप्शन है देखिए n बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह ए एन लिख दीजिए, अरे यहाँ दो वे है इसलिए ए वो ए रह जाएगा, ठीक है तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा बुक में है। 24 नंबर, अच्छा इस 24 नंबर बता दिए, ये 24 नंबर था है ना, अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, 4 का गुणज माने 4 का पहाड़ा लिखना है ठीक है, 10 से 250 के बीच में कट हुए वो बताना है, तो 10 से 200 4 दुनिया 8 4 तिया 12 10 के बाद 12 होता है, 10 से इसके बीच बोला है तो 12 4 3 12 होगा, 4 4 16
चार चौक सोलह, चार चौक सोलह, चार पच्चीस बीस, इस तरह से डॉट 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 करते करते 250 तक, 250 आता है। चार का पहाड़ देख लीजिए पहले, चार छक चौबीस पच्चीस, दस चार दुनिया आठ नहीं आता है, तो 450 नहीं लिखेंगे, 449 भी नहीं आएगा, हमको लगता है 448 आएगा, चार छक चौबीस, चार दुनिया आठ, 448 तो लास्ट होगा 448 तक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए a बराबर हो गया 12, d निकालेंगे तो 16 माइनस 12 चार आ गया है, और ये लास्ट वाला पद दिया हुआ यानी a n दिया हुआ है 248, कितना पद है, कैठ हो उसको हमको निकालना है, कैठ हो है एक दो तीन, इधर डॉट 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 कर दिए, कैठ हो गिनती इधर नहीं जानेंगे, लास्ट वाला पता है तो ये कितना होगा वो बताना है, तो लास्ट वाला निकाल देते कौन सा नंबर में आ रहा है उसको, तो पता चल जाएगा, ठीक है। यानी a n दिया हुआ है 248, लास्ट वाला एन समझ लेते हैं, यहाँ एन निकाल देंगे यानी कौन सा पद में ये है, पता चल जाएगा टोटल कितना पद है, ठीक। तो एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर ये 248। ए देखिए 12 है प्लस एन नहीं छोड़ दीजिए, डी डी है 4 बराबर 248। देखिए प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बाकी को रहने दीजिए, 248 माइनस 12, 248 12 घटाएंगे, 12 8 में 2 घटाएंगे 6, 5 में घटाएंगे 4 में घटाएंगे 3, इधर 236 4 गुना में भाग हो जाएगा, 4 से काट दीजिए इसको, 4 25 20 और 3 गया यहाँ 4 9 36, इधर बच गया एन माइनस 1, तो कहा हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 59, तो माइनस 1 उधर जाकर प्लस, तो 59 प्लस 1 60 आंसर, 60 पद हो गए, 4 का गुना यानी 4 का पहाड़ा यहाँ से यहाँ तक में 60 वो है तक हो गया। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर भी आधा अधूरा क्वेश्चन दिख रहा है, पी दो त्रिभुज है इसमें कौन सही है बोल रहा है, त्रिभुज भी नहीं दिख रहा है, तो हम त्रिभुज यहाँ से देखते हैं, त्रिभुज बुके उठा लेते हैं सब सही होगा, दो गो त्रिभुज दिया हुआ है 25 नंबर में, ए बी सी यहाँ पे 4 6 5 सब सेंटीमीटर में है, ठीक, और एक है छोटका वाला 3 2 2.5, इसमें बोला है कौन सा कथन इसके लिए सही है, समरूप का त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, समरूप एक दूसरे का है तो कैसा समरूप है उसको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, समरूप मतलब होता है कि दोनों आपस में कटेगा तो समरूप है, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो अनुपात बराबर आना चाहिए, देखिए कैसे ये अढ़ाई का देखिए 5 अढ़ाई दूनी 5 है यानी 5 बटा 2.5 बटा 5 यानी ये कटेगा तो अढ़ाई दूनी 5 डायरेक्ट 1/2 आ रहा है, ठीक है। कौन बी सी बटा इसका नंबर लिखवे नहीं है पी क्यू आर, तो बी सी जो है क्यू आर के अनुपात बराबर है, ये दोनों का अनुपात बराबर है, और किसका 3 दूनी 6 3 और 6 इसका अनुपात बराबर दिख रहा है, AC वाला ऊपर लिखे हैं, अच्छा QR ऊपर लिखे हैं ना बाबू, QR बटा BC नीचे लिखे हैं, ठीक। तो इसी तरह इसका वाला ऊपर लिखेंगे PQ बराबर, अच्छा बटा ये वाला AC बराबर हो जाएगा 3/6, तो ये भी कटेगा 3 का 3 दूनी 6 1/2 है। उसके बाद तीसरा ये बचा AB, तो पहले इसका नाम लिखे तो PQ हो जाएगा, PQ बटा AB, PQ है 2 AB है 4, 2 का 2 दूनी 4 1/2, ठीक। तो बराबर तो आ गया यानी समरूप है, लेकिन कैसा समरूप है, सब ऑप्शन में सब समरूपे का दिया हुआ है, ठीक है। ABC समरूप PQR की, ABC समरूप QPR, नंबर खाली इधर उधर है, तो नंबर ध्यान से लिखेंगे। देखिए अगर ABC इसका, अगर ABC लिख देते हैं, ABC सीधा लिख दीजिए इसका, ABC समरूप है तो किसका समरूप होगा, देखिए AB पहले लिखे, 4 वाला पहले लिखे, तो 4 किसका में है, 4 2 वाला है, 4 तो 2 वाला पहले लिखा है, 2 तो 2 का है QR, 2 में क्या है QR, फिर अढ़ाई तरफ बढ़ेगा 5 तरफ, ABC 5 तरफ बढ़े हैं तो 5 का अढ़ाई वाला है, तो PRQ की तरफ बढ़ेंगे तो PRQ हो जाएगा, PRQ तो ये रह जाएगा ABC 6 और ये तीनों अलग रह जाएगा, PRQ है ना समरूप है।
ठीक है, नाम खाली ध्यान से लिखना है। जैसे यहाँ चार से इधर बढ़े तो यहाँ चार दो का आ रहा है, तो ये दो से इधर तीन की तरफ बढ़ना है, चार से छः की तरफ, दो से तीन, है ना, क्योंकि चार और दो का जोड़ा है। ये कौन सा आकृति समरूप नहीं है, 26 नंबर, कौन समरूप नहीं है ये बताना है। तो विरित समरूप होता है, समरूप मान एक ही रूप का है, सकल सूरत एकदम सेम। तो विरित भले तनिगो है या बड़का है, तो सकल सूरत तो सेम ही है, गोले गोल दिखेगा, तो ये सही है, समरूप होता है। वर्ग भी समरूप होता है, क्या कि चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर, छोटा है ये बड़ा हो, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, तो ये भी समरूप होता है। लेकिन समद्विबाहु बोल दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं होता है, क्या कि समद्विबाहु में दो ही बराबर है। अब हो सकता है किसी का ये दोनों बराबर होगा, किसी का ऐसा बराबर होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, एक ही कैसे है, ये तो अलग अलग है, है ना, एक ही रूप का नहीं है, है ना। तो ये नहीं है बोला है, कौन समरूप नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं रहता है, एक ही रूप का नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, 27 नंबर में है, कहाँ गया, आकृति DE पैरेलल है BC का तो हो, तथा AD 3 है, BD 1.5 है, तो EC 1 है, तो AE का मान याद करें। चलिए त्रिभुज बनाते हैं तब समझ में आएगा। ये BCA है और ये DE, देखिए BC जो है पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है आपस में, DE का ये बता दिया है, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है AD 3, AD ये 3 दिया हुआ है, और BD 1.5 है, BD 1.5, और AEC, EC ये 1 है, तो AE ये वाला निकालना। तो दोनों तरफ ये पैरेलल है, मतलब ये दोनों का अनुपात सेम होगा, तो AD जैसे मान के चलिए अनुपात सेम होगा, तो AD जो है बटा BD होगा, बराबर इधर AE बटा EC होगा, ठीक है। तो AD दिया हुआ है 3 बटा AB, BD, BD हो 1.5, बराबर इधर AE, AE नहीं दिया हुआ तो छोड़िए, EC दिया हुआ 1, तो 1 एक भाग में है, तो गुना में इधर आ जाएगा, तो भाग में आवे के गुना में आवे, एक का तो कोई मतलब ही नहीं, तो हटाइए एक को, AE खाली बच गया इधर, इसको काट दीजिए, 1.5 × 2 = 3, तो 2 हो गया आंसर, तो यही हो जाएगा 2, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 28, यदि ए बी सी समरूप है क्यू पी आर क्यू हो, तो ए 30 डिग्री बी 70 डिग्री सी 80 है, तो क्यू का मान क्या होगा, यही ध्यान से। 28 नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज पी आर क्यू है ना, तो चलिए बना लेते हैं त्रिभुज, जैसे यहाँ से लिखते हैं ए बी सी, तो यहाँ भी लिखना होगा क्या, ए बी सी लिखा है, यहाँ पी आर क्यू लिखना है, तो ये पी आर क्यू है ना। इसमें क्या क्या एंगल दिया हुआ, ए 30 डिग्री ये 30 दिया हुआ है, बी 70 ये 70 दिया हुआ है, और सी 80 दिया हुआ है। तो बोला है क्यू का मान क्या होगा, एंगल क्यू इसका मान क्या होगा, तो ये देखिए इधर का ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, तो 70 डिग्री हो गया इसका आंसर, है ना, समरूप है, माने एक इधर का बराबर, इधर का बराबर, ऊपर वाला ऊपर के बराबर होगा, है। 28 था ये, 29 नंबर देख ले, 29 नंबर देखते हैं, ए बी सी बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज बी सी और बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी, अच्छा चलिए देख लेते, ए बी सी और डी समबाहु त्रिभुज है कोई, ये मान चलिए ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, मान लो तीनों भुजा बराबर है, ठीक है, और इसमें बोला है बी डी ई, बी डी, बी डी ई डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु, डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु में यहाँ लगा दिए, तो बी डी ई बोला है, तो ई में तो टच कराना होगा, टच करा दिए, त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजा के वर्ग के, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है दो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात, ठीक है, लिखे दे रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो दोनों के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात होता है, तो संगत त्रिभुज जैसे ए बी सी का, ए बी सी
त्रिभुज एबीसी ऐसा लिखते हैं, एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात है तो बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, बी त्रिभुज बीडीई एरिया दोनों का बराबर हो जाएगा संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात। तो संगत भुजा मान चलिए ए बी लेते हैं, तो इसका संगत भुजा कौन हो जाएगा बी डी, ए बी, ए बी बड़का त्रिभुज का ले लेते हैं तो यहाँ बी डी, ए बी सी है तो ए बी लिए ए बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे बी डी, बी डी ये वाला होगा इसका बी डी का स्क्वायर के बराबर होता है तो स्क्वायर लगा देंगे समीकरण इसको वन मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और एक चीज़ दिया हुआ है ये बी डी जो है बीच है, बी सी का क्या है बीच है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या चूंकि लिख देते हैं और बी डी बराबर आधा ए सी, ये बी डी जो कहा है ये ए सी बी सी का आधा है, किसका आधा है बी सी का आधा है ना, बी सी का आधा का है कि मध्य बीच वाला बिंदु है तो बी सी का आधा बी डी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, अच्छा तो जगह हुआ तो खत्म हो गया, तो इसको हटा लेते हैं ऊपर वाला, तो देखिए और एक लाइन यहाँ पे कर देते हैं, अगर यहाँ से BC निकाल देते टू बी डी हो जाएगी, टू बी डी बराबर इधर हो गया BC। ठीक है, अब BC BC AB AC ये सब तो बराबर है, समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू बी डी बराबर, ये BC के जगह में हम AB भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, AB लिख सकते हैं, कहे कि ए बी और ए सी सब तो बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी बराबर है बी सी बराबर ए सी सब बराबर है समबाहु त्रिभुज, तो टू बी डी बराबर ए बी लिख दे, कहे कि ए बी और बी डी यहाँ पे है तो ए बी और बी डी इसका हम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण टू, अब समीकरण वन और टू से लिख दीजिए, समीकरण वन और टू से, समीकरण वन और टू से, तो वन क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर इधर आया हुआ है ए बी बटा बी डी का स्क्वायर, तो ए बी देखिए ए बी कितना है ए बी बराबर टू बी डी है, तो टू बी डी का स्क्वायर कर देते हैं और इधर नीचे बी डी का भी स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर है, तो दो का स्क्वायर कर देते हैं चार, या एक बार यहाँ स्क्वायर लगाइए, चलिए तो दो का स्क्वायर हो गया चार, और बी डी का स्क्वायर करेंगे तो बी डी स्क्वायर ही रहेगा है ना, और यहाँ भी बी डी का स्क्वायर करेंगे तो बी डी स्क्वायर ही रहेगा, तो बी डी स्क्वायर कट गया तो चार ऊपर नीचे एक, तो चार अनुपात एक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 29 क्वेश्चन हो गया और 11 को क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर देते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी पर दीवार पर टिकाने के लिए भूमि से इतना मीटर खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सीढ़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। 10 मीटर का एक सीढ़ी है, ऐसा 10 मीटर का सीढ़ी है एक दीवार का खिड़की तक पहुंच रहा है, तो दीवार का टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचा है भूमि से, ये दीवार का खिड़की वहां तक पहुंचता है, दीवार के आधार से, दीवार का जो आधार है जमीन उससे सीढ़ी के निचले सीढ़ी की दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी निकाला, ये तो त्रिभुज बन गया है, तो त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार, फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, या स्क्वायर हटा देते हैं इधर रूट लगा देते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
इस तरह का त्रिभुज में पाइथागोरस त्रिभुज पाइथागोरस जहाँ भी लगाना पड़े। तो याद करने का तरीका बताएं कि बड़का निकालना रहे तो दोनों छोटका का स्क्वायर करके जोड़ देना है, और क्या तिरछा लाइन बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है, और बाकी ये दोनों तो कर्ण से छोटा ही रहेगा। तो ये दोनों में से किसी को भी निकालना रहे तो कर्ण से घटा देना है, तो कर्ण माइनस लम। तो कर्ण दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस लम दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 100 में 64 घटाएंगे तो 5 नहीं होगा 6 होगा, 6 × 4 = 10 36 बचेगा, 36 का रूट हटाएंगे तो 6 × 36 6 मीटर इसका आंसर हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी है और ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है, तो निम्न में कौन कथन सही है। चलिए, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है एसी बराबर बीसी दिया हुआ है, इसमें बोला है एबी स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर के बराबर है, तो कौन सा कथन सही है। देखिए, 2AC स्क्वायर माने दो को भुजा बराबर है, और ये फॉर्मूला आ रहा है, यही वाला फॉर्मूला आ रहा है, कर्ण में ही ऐसा फॉर्मूला आता है स्क्वायर वाला, तो कर्ण किस में आता है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला समकोण में, तो समकोण मार देना है इसमें, ऐसा वाला क्वेश्चन में बोले हैं, ठीक है। क्या कि देखिए ना, ऐसा बोला है ए बी ए सी के बराबर है, तो ऐसा त्रिभुज होगा तब है ये फॉर्मूला आया स्क्वायर वाला। देखिए, मान चलिए ए बी सी ऐसा होगा तब है ना, बी सी जो है ए सी के बराबर, ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ये बी सी स्क्वायर आधार हो गया रियल नाम ए सी स्क्वायर, तो दोनों तो बराबर है, तो दोनों की जगह में ए सी लिख सकते हैं, बी सी की जगह में ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ भी ए सी स्क्वायर, तो ए सी दो है, तो इसीलिए 2AC स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त है और उसका स्पर्श रेखा, वृत्त और उसका स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु उभयनिष्ठ हो रहा है दोनों में, तो उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, सिंपल सा बात है, स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या हुआ। देखिए, 33 नंबर बोला है दो समांतर रेखा, समांतर स्पर्श रेखा, ये दोनों हो गया समांतर स्पर्श रेखा, टच कर रहा है, मान चलिए ये दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ कहाँ गया, 10 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये 10 है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, तो ये तो पूरा हो गया 10, तो त्रिज्या माने आधा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो 10 टोटल है, आधा 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, है 5 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु 34 नंबर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी टी तथा टी क्यू वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ टी 80 डिग्री है, तो पी टी ओ बराबर होगा कितना। चलिए, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, ओ केंद्र है यहाँ पे ओ, इसमें बोला है पी टी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखा है, ये पी टी इधर से होगा और एगो पी टी होगा और एगो होगा क्यू इधर, तो पी टी क्यू भी हो गया दो स्पर्श रेखा। उसके बाद बोला दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये वाला, ये स्पर्श ये वाला वाला ये ये जैसा भी होगा है ना, ये वाला पी पी किधर गया, ओ पी टी, तो ये यहाँ पी होगा तब ना, पी टी उसके बाद टी क्यू, ठीक है। तो पी टी और टी क्यू वृत्त दो स्पर्श रेखा इस प्रकार के पी ओ क्यू 80 है, पी ओ क्यू ये 80 है, पी ओ क्यू 80 है, ये स्पर्श रेखा वाला जो है एंगल 90 डिग्री होता हुआ है ना, ये 90 ये भी 90 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू ये निकालना है, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए, ये दोनों 90 होता है, स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा में जो टच कर रहा है उससे त्रिज्या जो होता है, ये त्रिज्या ना है 90 डिग्री में हमेशा कोण बनाता है, तो ये भी 90 ये भी 90 ये 80, तो ये चौथा निकालना, 1, 2, 3, 4 चार एंगल चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो चारों जोड़िए 90 प्लस एगो और 90 प्लस एगो 80 है, और एक ठो ई वाला पी टी क्यू, पी टी क्यू ये सब को जोड़ के होगा 360 डिग्री, कहा कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, जोड़िए 90 90 18 9 9 9 27 260 होगा, 260 प्लस पी टी क्यू बराबर 360, 260 उधर जाके
पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 260, 260 घटाएंगे 360 में से 100 डिग्री आंसर, 100 देख लीजिए ऑप्शन जहाँ पे भी होगा मार देना है। ठीक, अगला नंबर है 35 नंबर, लिखिए स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर खाली स्थान होता है, लंब होता है ना, 90 डिग्री होता है। अभी बताएं स्पर्श रेखा जो है, 35 नंबर स्पर्श बिंदु यानी स्पर्श जाकर स्पर्श खींचा गया ये जो त्रिज्या है वो कहाँ होता है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री को ही लंब कहते हैं, तो लंब ऑप्शन में दिया है, 90 डिग्री ने लंब दिया हुआ, तो लंब आंसर लिख दीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण पी है, एंगल जो थीटा लिखते थे थीटा को पी लिख दिया है यहाँ पर, कोण कोण का थीटा जो लिखते थे वो पी है। ठीक है, और त्रिज्या आर ही है ना, आर त्रिज्या बोला, आर त्रिज्या मतलब बड़ा का आर है त्रिज्या, तो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो देखिए पाई आर, आर जो छोटका लिखते थे उसमें बड़का है, तो बड़का लगा देंगे, क्यू यानी थीटा, पी आर पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा को पी बोला तो पी लिखेंगे बाय 360, तो ये आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पी बटा 360, पाई आर स्क्वायर पी बटा 360 तीसरा ऑप्शन में, तीसरा नंबर में। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वृत्त के केंद्र पर किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र से किसी बिंदु की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। एक घड़ी के मिनट के सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर की दूर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा उसको बताना है, तो इसको हटा। 38 नंबर, एक घड़ी का सुई है, घड़ी का सुई जो है 5 मिनट में, घड़ी का सुई का जो है लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान चलिए घड़ी का सुई है उसका लंबाई 14 मतलब त्रिज्या है 14, तो इसके 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में, तो 5 मिनट में क्षेत्रफल कहाँ जाएगा, 5 मिनट में, जैसे अगर 15 मिनट बोलता है तो 15 मिनट में 90 बनाता है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वो एंगल को निकालिए फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, हो जाएगा है ना। तो 5 मिनट में कितना होगा, 90 डिग्री बनता है 15 मिनट में, ऐसे सीधा बनता है 15 मिनट, तो 15 मिनट में अगर 90 तो 5 मिनट में कितना, तो 5 मिनट के निकालने के लिए पहले 1 मिनट का निकालेंगे तो 90 बटा 15, फिर 5 मिनट का निकालेंगे मिनट, 5 मिनट का निकालेंगे 90 बटा 15 गुना 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 0, यानी 5 मिनट में जो है घड़ी का सुई 30 डिग्री का कोण बनाता है, 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का, और 14 दिया हुआ है थीटा, समझा ना कैसे 30 डिग्री बनाता है, 15 मिनट में 90 डिग्री बनाता है ये तो पता होगा, क्या कि 15 मिनट में कांटा ऐसा रहता है ये 3 यहाँ 12, तो 15 मिनट में ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में 90 बटा 15 बनेगा, 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 90 बटा 15 1 मिनट में, तो 5 में कहते 5 गुना करिए 5 या 15 3 तीन 0 मतलब 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो थीटा दिया हुआ 30 डिग्री और ये त्रिज्या दिया हुआ है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा देते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर आर त्रिज्या 14 गुना 14, थीटा 30 डिग्री बटा 360, काटेंगे 0 0 कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एक 3 3 दूनी 6 और कटेगा 7 से 7 दूनी 14, ये 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 से फिर कटेगा, 2 3 6, 2 7 14, अब नहीं कटेगा तो गुना करिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बटा नीचे है 3, 154 बटा 3 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है लगा दीजिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कोण थीटा, थीटा और त्रिज्या आर, त्रिज्या आर वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा और आर है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कहाँ गया, थीटा बटा 360 अलग से लिखा हुआ है, उसके बाद पाई आर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट नंबर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद कीजिए,
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तभी से बता रहे हैं पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर दिया हुआ देखिए 21, तो 21 स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, थीटा है 60 डिग्री, नीचे होता है 360, लगाइए काटिए 6 0 0 कटा 6 6 36, 6 300 कटेगा, 3 2 6 321, ये 7 और 7 कट गया, ये 2 से कटेगा 11 2 22, 21 और 11 बज गया, 21 एक 21 21 एक 21, सर 221 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आंसर 21 31 होगा, 21 एक 21 हाथ में 2 21 21 21 2 23। ये रहा 40 क्वेश्चन चौथा सेट का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, लेकिन आप लाइक और कमेंट करिएगा तब, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इसका सेट जो है पांचवा सेट बहुत जल्द यानी कल दे देंगे, और कमेंट लाइक करने में कंजूसी करिएगा तो फिर थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी लाइक और कमेंट करिए ताकि इसका अगला वीडियो तुरंत मिले, उसके बाद फिर अगला सेट यानी 6 7 8 सेट बोलेंगे बताएंगे, तो ये चौथा है, तो 3 4 सेट अभी है, तो लगातार देंगे अगर आप लोग का सही सपोर्ट रहा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका सेट लेकर के, थैंक्स फॉर वॉचिंग।